सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसमें यूनिट वन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ, ADPO का एग्जाम हुआ, वेटनरी सर्जन का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ, ऐसे कई सारे एग्जाम हुए हैं जो कि 2022 और 23 में हुए हैं। उन क्वेश्चंस को यहां पे कंपाइल करके आपके सामने लाया गया है। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। डिस्कशन की शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है। ये एक सीरीज है जिसमें सारे यूनिट को कवर किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 8 और यूनिट 9 को कवर कर लिया है। यूनिट 8 की बात करें, ये है आपका करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ये है यूनिट 8। इसका जो क्लास है, इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दी जाएगी। यूनिट 9 की बात करें, यह है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, इसका भी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस होती हैं, इसके PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी MPPSC, इसको आप ज्वाइन कर लें तो यहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। वहां पे फाइल्स में आप जाएंगे तो आपको PDF ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना। तो नाउ अब इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया चुका है, जिसमें 51 क्वेश्चन थे। बाकी जो अगले क्वेश्चन हैं वो अब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए 51st क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट वन है आपके MPPSC 2022 का जो सिलेबस है, इसमें यूनिट वन है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। लेट मी गेट द 51st क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट। मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भाभरा। और भाभरा कहां पड़ेगा? देखिए, भाभरा का नाम चेंज होकर चंद्रशेखर आजाद नगर भी कर दिया गया है, बिकॉज वो उनकी जन्मभूमि है। और दूसरी बात, ये पड़ेगा अब अलीराजपुर में। पहले ये झाबुआ में होता था, लेकिन चूंकि अलीराजपुर एक नया जिला बन गया था, इसलिए राइट नाउ भाभरा कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा अलीराजपुर में। और अलीराजपुर की एक विशेष खासियत है कि अलीराजपुर में सिरुल ट्राइब की एज आप नो मध्य प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक आबादी निवास करती है। और कितनी निवास करती है? यह है 89% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। सेकेंड नंबर पे झाबुआ है, जहां पर 87% पॉपुलेशन बिलोंग करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि हम बात करें धार की, तो धार में सिरुल ट्राइब की सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर आबादी निवास करती है। ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होना चाहिए। 52nd क्वेश्चन आपके सामने, माच लोक नाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, माच एज आप नो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और इसका लोकेशन मालवा है। अब देखिए, माच के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है, इसका नाम है राई। राई कौन से अंचल का है? राई बुंदेलखंड अंचल का है। और माच की बात करें, माच मालवा अंचल का है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए जो हमारे मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये पोर्शन आपके मालवा अंचल में आता है, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट स्थित है और यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल स्थित है। तो ये चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दिस वेरी सिंपल वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मध्य प्रदेश के, कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखते नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा फेस दिख जाता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ऊपर कर दूंगा तो फिर इसका आंसर दिख जाएगा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके पहले जब चार राज्य होते थे उसमें भोपाल राज्य जो था उसके पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बताना चाहिए मध्य प्रदेश का जो रिऑर्गेनाइजेशन है वो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और इसके पहले मध्य प्रदेश में चार राज्य हुआ करते थे। एक तो था केंद्रीय प्रांत और बैरार। केंद्रीय प्रांत और बैरार के जो पहले CM थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। दूसरा राज्य था मध्य भारत। मध्य भारत की दो राजधानी होती थी इंदौर और ग्वालियर, इसके पहले CM थे पंडित लीलाधर जोशी। और तीसरा है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी होती थी रीवा, और इसके पहले CM थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। और चौथा राज्य था भोपाल,
और इसकी राजधानी भोपाल थी। आप जानते हैं भोपाल एज ऑफ नाउ हमारी राजधानी भी है। तो भोपाल की बात करें, इसके पहले से हम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत में भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 55th क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कई बार आपको ऑप्शंस देखने में दिक्कत आती है, तो हल्का इंग्लिश ऑप्शंस में हल्का रिलाय करिएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम सेम लिखी हुई हैं, तो उसे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अब इसमें स्टेटमेंट दिए आपके सामने, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति। तो अब भी ऐसी बात, इसका सही आंसर क्या है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मालवा अंचल में भील जनजाति का मोस्टली कंसंट्रेशन है। इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 56th क्वेश्चन है हमारे सामने, रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है। रंगत दोहा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। इसका सही आंसर है माच। रंगत दोहा माच रंगमंच शैली संबंधित है। रंगत दोहा इज एसोसिएटेड विद द माच थिएटर फॉर्म। माच की बात करिए, मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी है, और ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का लोकनाट्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी है। तो रंगत दोहे की बात करें, ये माच रंगमंच शैली से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 57th क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, यह है मामूलिया त्योहार। मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इसका सही आंसर क्या है। मामूलिया त्योहार बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके द्वारा ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। मामूलिया त्यौहार, द मामूलिया फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय अनमेरिड गर्ल्स। ये है मामूलिया त्यौहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 58th क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया द सर्च फॉर लंका। द सर्च फॉर लंका इस बुक के ऑथर कौन है, ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंद दुलारी वाजपेयी या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। और इसका सही आंसर है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। द सर्च फॉर लंका इसके ऑथर हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन हुआ डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। देखिए चरण पादुका हत्याकांड के बारे में, इन विच द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड द चरण पादुका मैसाकर ऑफ 1931 AD टेक प्लेस। देखिए चरण पादुका हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड ही बोलते हैं। यह कांड हुआ था 14 जनवरी 1931 को। यह दिन आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पूछा सकता है, क्या बता सकते हैं आप लोग जलियांवाला कांड किस दिन हुआ था, किस साल हुआ था। तो यह कहां पे हुआ था, यह हुआ था छतरपुर में। इसको ऑर्डर किसने दिया था, इट वॉज ऑर्डर बाई फिशर, फिशर के द्वारा ऑर्डर दिया था। यह भी आप लोग यहां पर याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हालांकि फिशर की स्पेलिंग FISHER मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमल रासो की रचना थी, परिमल रासो की रचना कौन सी, जगनिक, ईश्वरी, पद्माकर या भूषण। परिमल रासो किसकी रचना थी, वो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका जगनिक। जगनिक की रचना है परिमल रासो। बहुत ही आसान सा है, हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार लिटरेचर याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, 61st क्वेश्चन पूछा गया है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। इवली ओरछा की स्थापना किसने किया था, ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये है बुंदेला राजाओं के द्वारा किया गया था, और वीर रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो है इन्होंने ओरछा की स्थापना भी किया था। इसके बारे में हालांकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओरछा वाज फाउंडेड इन 16th सेंचुरी बाय द बुंदेला चीफ रुद्र प्रताप सिंह, हु बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ ओरछा। और सन ऑफ रुद्र प्रताप सिंह की बात करें, जिनका नाम था भारती चंद, इन्होंने कैपिटल को गढ़कुंडार से ओरछा शिफ्ट किया था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, और बाद में उसको फोर्टिफाई किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 62nd क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट था, ये हुआ था 1939 में, 1939 में। देखिए हरिपुर का सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता मिली थी, और अगले साल जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जो कि जबलपुर को बोलते हैं, तो वहां पर भी देखा जाए तो वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस
कौन उम्मीदवार थे? तो ये थे पट्टाभि सिद्धरमैया। ये इलेक्शन अपने आप में काफी खास था बिकॉज पट्टाभि सिद्धरमैया से गांधी जी काफी एसोसिएटेड थे और गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि पट्टाभि की हार गांधी की हार होगी। और पट्टाभि सिद्धरमैया के हारने के बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में काफी मनमुटाव हो गए और इसके बाद में 1939 के इस अधिवेशन में अध्यक्ष तो बन गए लेकिन बाद में आपने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद में इनकी जगह लिया था राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने सुभाष चंद्र बोस की जगह लिया था लेकिन इन्होंने हराया था पट्टाभि सिद्धरमैया को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स गेट द 63rd क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑलराइट, तो यहां पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बाघ भरहुत, काकन मठ या सांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यह है काकन मठ। काकन मठ का संबंध नहीं है। बाकी बाघ की बात करें, बाघ केवल से मिलता है। भरहुत कहां पे है? भरहुत स्तूप ये आपके सतना में है, सांची स्तूप रायसेन में है। इन सभी जगह बौद्ध धर्म के बारे में मिलता है लेकिन काकन मठ के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हालांकि डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के चलते इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन है, ठाकुर रमन सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहां संघर्ष किया? अब देखिए इस पे देखा है तो यहां पे किसी एक जगह में संघर्ष नहीं किया, हालांकि रहने वाले ये सतना के थे लेकिन कई सारी जगहों में, बेसिकली जो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो इलाका है वहां पर इनका संघर्ष था, इसलिए किसी एक जगह में आप नहीं कह सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। हालांकि इसमें हल्का एक्सप्लेनेशन ही मैंने आपके लाया है, सो लेट मी शो दिस वन टू यू। ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहां पे बताया गया आपको ठाकुर रमन सिंह हेलिंग फ्रॉम मनकहरी विलेज ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट was one of the most prominent leader of the 1857 unrest in the region. तो ये आप लोग याद रखेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई इनके बारे में। तो बेसिकली कह सकते हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का इलाका है यहाँ पर इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा थी। ये है ठाकुर रणमा सिंह, इनके नाम पे इवनली आपको पता होना चाहिए रीवा में एक कॉलेज का नाम भी है ठाकुर रणमा सिंह कॉलेज, TRS कॉलेज के नाम से फेमस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन आपके सामने, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में कई बार डिस्कस भी किया है एंड आई एम श्योर आपको याद भी होगा, इनका नाम है वेरियर एल्विन। द बैगा पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 66 क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को नामोदस नाम किसने दिया था? तो नर्मदा नदी को के डिफरेंट डिफरेंट नाम है और उसमें से नामोदस भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये नामकरण दिया था टॉलमी ने। तो नामोदस नेम गिवन बाई टॉलमी टू नर्मदा रिवर, है ना। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं उनके बारे में याद रखना, कपिलधारा और दुग्धधारा वाटरफॉल, ये दोनों ही कहां पर हैं? ये दोनों ही अमरकंटक के पास ही अनूपपुर जिले में है। इसके बाद धुआंधार वाटरफॉल की बात करें तो ये जरूर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहां पे है? ये है आपके जबलपुर में। आप क्या बता सकते हैं सहस्रधारा वाटरफॉल कहां पर है? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस आउट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 67th क्वेश्चन, त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने लक्ष्मीकर्ण, कोकल्ले यशकर्ण या नरसिंह। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट था, इसके चलते बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट के कारण इसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जबलपुर के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे जो त्रिपुरी वेली आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था आपको याद होगा, जो कि जबलपुर में ही आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लिखी हुई है सच, इन चीजों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ये है कि त्रिपुरी जो है छेदी किंगडम, जो कि 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, वहां पर जो छेदी किंगडम था त्रिपुरी उसका बेसिकली पार्ट हुआ करता था, यदि आप महाजनपद काल की बात करें। लेकिन बाद में हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें तो यहाँ पे सातवाहन के द्वारा बेसिकली इसको कैप्चर कर लिया गया था और उसके बाद में अलग अलग बेसिकली राजाओं के द्वारा इसको रूल किया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है त्रिपुरी के बारे में। यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो कलचुरी थे, कलचुरी की दो ब्रांच थी। 7th सेंचुरी की बात करें तो जो है कलचुरी किंगडम था, इसको फाउंड किया था वामराज ने, जिसकी राजधानी बनाई थी त्रिपुरी को। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। और देखा जाए तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हालांकि इस डायनास्टी के सबसे पॉपुलर राजा का नाम था लक्ष्मीकर्ण। तो
तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है ना। और ये भी लिखा है 13th century के बाद में कल्चुरी जो है वो डिक्लाइन करने शुरू हो गए, बिकॉज गोंड काउंट जो गोंड किंगडम है उसका प्रभाव बढ़ने लग गया। हालांकि कल्चुरी का जो प्रभाव है यदि आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर काफी लंबे समय तक कल्चुरी राजवंश का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एनीवे तो यहाँ पर इस हिसाब से बेसिकली यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 68th question, पूछा कि अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी। ऑप्शन यहाँ पे दिया है मल्हाररा होलकर, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी मल्हार राव होलकर के साथ में। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मंदसौर की संधि। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवनली मैंने भी कई बार क्लास में डिस्कस किया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसके चलते बाद में मंदसौर की संधि होने के बाद में होलकर साम्राज्य के लिए एक स्पेशल दीवान का अपॉइंटमेंट अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, और उसका नाम था तात्या जोग, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69th question, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वेल यहां पे ऑप्शन है आपके सामने, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह की बात करें, वेल देखिए कभी कभी कुछ ऐसे नाम पूछ आते हैं जिनके बारे में आप लोग ज्यादा नहीं सुने होते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये है महाकौशल, और महाकौशल का क्षेत्र कौन सा है, बेसिकली जौनपुर के आसपास का क्षेत्र महाकौशल का क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 70th question है, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। मंदसौर अभिलेख काफी महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, और इसकी रचना किया गया था किसके द्वारा, वत्स भट्टी के द्वारा। वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर इंस्क्रिप्शन की रचना की गई थी, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 71st question, 71st question आपसे पूछा गया है भड़म नृत्य के बारे में। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। देखिए जनजातियों के जो नृत्य हैं वो आमतौर पर एग्जाम पूछाते हैं, भड़म है, सेतम है, ऐसे जो नृत्य हैं इनसे क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है भारिया। हमारे मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है वहां पर भड़म नृत्य फेमस है, और भारिया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब के रूप में जानी जाती है ना। भारिया हो गया, सहरिया हो गया, है ना। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 72nd question है, 72nd question पूछा जा रहा है हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है। बोल देखिए जहां पे आपको ऑप्शन ना दिख रहे हो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को रेफर कर लिया करिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्वालियर मुरैना गुना या दतिया। तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे लगता है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ए ग्वालियर। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फियर से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। इवनली एक महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, ये भी एक बार पीएससी में पूछा गया था, आपको याद होगा, बता सकते हैं कमेंट करें कहाँ है। बृहद संहिता की रचना किसने की थी, बृहद संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका वराहमिहिर। वराहमिहिर के द्वारा बृहद संहिता की रचना की गई थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये रहा आपका 73rd question, दैट इज द बेसिकली 73rd question। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 74th question, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योग के लिए। हालांकि भैरवगढ़ बेसिकली पड़ता है राजस्थान में, लेकिन थोड़ा सा नियर बाई ऑप्शन है इसलिए आपको याद रखना है, है ना, उदयपुर के आसपास पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 75th question है, ये क्वेश्चन पूछा गया ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। ये क्वेश्चन इवनली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओमकारेश्वर कहां पड़ेगा, ये ओमकारेश्वर पड़ेगा हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, और खंडवा जिले का नाम क्या है, खंडवा जिले का नाम है पूर्वी निमाड़, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है मानधाता, मानधाता नगरी के नाम से मशहूर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका सही आंसर है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र लोकमत समाचार पत्र के संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 77th question है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया है राजा भैया पूंछवाले, वही ऑब्वियसली बात है इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर शहर से है। पंडित शंकर राव का संबंध बेसिकली है, तानसेन का संबंध है। उस्ताद आमिर खान की बात करें इनका संबंध ग्वालियर से नहीं है, बल्कि कहां से है, इंदौर से। आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं इंदौर घराने की स्थापना में उस्ताद आमिर खान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78th question, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है।
सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किस ऐतिहासिक अभिलेख में किया गया है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया गया है, यह है आपका मंदसौर अभिलेख। तो यह रहा 78th क्वेश्चन। 79th क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है राजा भोज की राजधानी क्या थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राजा भोज की राजधानी का नाम है धारनगरी। धारनगरी बोलते हैं, कुछ जगह धारानगरी मिलती है, बोथ बी फाइन। तो राजा भोज की राजधानी थी धारनगरी। अगला क्वेश्चन है गढ़मंडला। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था। गढ़मंडला के अंतिम राजा प्रतापी कौन थे, ये थे शंकर शाह। शंकर शाह, अब देखिए ये दोनों पिता और पुत्र की मूर्ति भी यहां पे मिलेगी। गढ़मंडला में इनके द्वारा प्रॉपर तरीके से रिवोल्ट भी किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ में। आप देखिए यहां लिखा है राजा शंकर शाह के नाम से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का इवेली नाम भी कर दिया गया है ना। और शंकर शाह की बात करें, ये काफी प्रतापी राजा थे, अंतिम प्रतापी राजा आप कह सकते हैं। इसके अलावा 1857 क्रांति में पहले गुड़वाना के राजा थे शंकर शाह, और इन्होंने विद्रोह किया था। ये आप देख सकते हैं, शंकर शाह और उनके बेटे की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने तोप से बात मोड़ा दिया था, इसलिए शंकर शाह का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81st क्वेश्चन। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची स्तूप का निर्माण करवाया किसने, बहुत ऑब्वियस है, अशोक ने निर्माण करवाया। सांची स्तूप की बात करें, इसे एज ऑफ नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। याद रहे मध्य प्रदेश की पहली हेरिटेज साइट थी खजुराहो। खजुराहो को सबसे पहले यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और इसको शामिल कब किया गया, 1986 में, 1986 में शामिल किया गया। उसके बाद 3 साल बाद 1989 में शामिल किया गया सांची के स्तूप को, और सांची का स्तूप एज ऑफ नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। इसके बाद सन 2003 में मध्य प्रदेश की तीसरी हेरिटेज साइट बनी, इसका नाम है भीमबेटका की गुफाएं, है ना। अब देखिए सांची स्तूप के बारे में तीन चीजें, देखिए स्तूप के बारे में एक चीज रखना कि बौद्ध जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है स्तूप का। स्तूप में क्या रखा होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रिमेन्स रखे होते हैं, उनकी अस्थियां रखी होती हैं। और स्तूप की यदि हम बात करें, सांची के स्तूप की यदि हम बात करें, तो यहां पर दो बौद्ध भिक्षु, देखिए गौतम बुद्ध साहब का यहां पे कोई अस्थियां नहीं रखी है, गौतम बुद्ध साहब यहां पर कभी विजिट भी नहीं किए हैं, लेकिन इनके दो शिष्य थे जिनकी अस्थियां सांची के स्तूप में आपको मिलती हैं। उनका नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा एक और होता है चैत्य। चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है मीटिंग प्लेस। मीटिंग प्लेस होता है यहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो यहां पे मिलते हैं। अब देखिए दो बौद्ध हैं, दो सेक्ट हैं, महायान हीनयान। तो महायान तो वहां पर पूजा करते हैं, हीनयान का मीटिंग प्लेस होता है जो वहां पे फर्दर प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा एक होता है विहार। विहार की बात करें, विहार वो प्लेस होता है जो रेजिडेंस प्लेस होता है, मतलब निवास स्थान होता है, इसे बोलते हैं विहार। तो ये स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं सांची स्तूप के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि सांची स्तूप में कौन से दो भिक्षुओं के अवशेष, मतलब अस्थियां रखी हुई हैं। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा आता है, कौन है सारिपुत्र, कौन है सारिपुत्र और मोगलीपुत्र। सारिपुत्र और मोगलीपुत्र, मोगलादायन भी मिलता है, इन दोनों की अस्थियां आपको मिलेंगी सांची के स्तूप में। इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 82nd क्वेश्चन। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है। देखिए दिस इज एस एस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमृतलाल बेगड़ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संबंध है चित्रकला से। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है, चित्रकला से है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 83rd क्वेश्चन आपके सामने है भीलट बाबा। भीलट बाबा कौन है। अब देखिए भीलट बाबा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आपका स्थान है, और ये भीलों के प्रमुख देवता है, भीलों के प्रमुख डेटी है, द चीफ डेटी ऑफ भील है भीलट बाबा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 84th क्वेश्चन है, सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सिंगोरगढ़ का किला, और इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है दमोह। सिंगोरगढ़ फोर्ट हमारे दमोह में स्थित है। दमोह की बात करें, ये आता है बुंदेलखंड इलाके में, तो दमोह में आपका है सिंगोरगढ़ का किला। किलों से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ी सी आपको तैयार रखना पड़ेगा। 85th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंदेरी शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए चंदेरी की जो साड़ियां हैं, इवन उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए बट ऑब्वियस वह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जितने भी जीआई टैग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, उसको जरूर पढ़ के जाएगा, चाहे वो रतलामी सेव हो, चाहे इसके अलावा टीकमगढ़ की घंटियां हो, जो भी
अभी जो जीआई टैग्स हैं, रीवा के जो आम हैं वो भी जीआई टैग में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। महेश्वर जो साड़ियां हैं वो भी जीआई टैग में शामिल कर ली गई हैं, है ना, शामिल है। 86 क्वेश्चन आपके सामने है, मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मटकी नृत्य की बात करें, देखिए यहां पर लोकल वाइज जो बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ अंचल, मालवा अंचल के जो डिफरेंट डिफरेंट लोक नृत्य हैं वहां से क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती रहती है। हालांकि याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करें बार बार रिवीजन करते रहें। तो मटकी नृत्य की बात करें कौन से अंचल का है, ये है मालवा अंचल का। और हमारा राजकीय लोक नृत्य क्या है, राई है। और राई की बात करें कौन से अंचल का है, ये है बुंदेलखंड अंचल का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 87th क्वेश्चन आपके सामने है, ये है चिड़ीखो। चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए चिड़ीखो की बात करें, चिड़ीखो टूरिस्ट प्लेस हमारे किस जगह में लोकेटेड है, और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका ये है राजगढ़ में। राजगढ़ की बात करें, याद रहे मध्य प्रदेश के, मतलब कह सकते हैं मालवा अंचल के थोड़ा ऊपर साइड पड़ेगा आपको राजगढ़ में। इसमें याद रखना, राजगढ़ से इवली कर्क रेखा भी पास करती है। मध्य प्रदेश से कुल मिला के 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा पास करती है। कौन कौन से हो गए, कई सारे जिले हैं, है ना। आपको ये हालांकि ट्रिक मैंने कभी याद कराई है तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, रउआ रासे भौरासा दम जब कटनी उमरासा, इसको आप एक्सपांड करके बताएं कौन कौन जिले हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली राजगढ़ हो गया, उज्जैन हो गया, अगरमालवा हो गया, ऐसे बहुत सारे जिले हैं, 14 जिले हैं जहां से बेसिकली कर्क रेखा पास करती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से पास करती है और भारत के कुल मिला के 8 राज्यों से कर्क रेखा पास करती है। इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही बोलते हैं, है ना। 88वां क्वेश्चन है, कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? कवि बिहारी की बात करें, ये कौन से राज्य संबंधित है? ऑप्शन है, देखिए कवि बिहारी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सही कर दिए गए थे, बिकॉज कई सारे राज्यों से आपका क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश तो ही है, इसके अलावा आपका संबंध राजस्थान से भी है, आपका संबंध उत्तर प्रदेश से भी रहा है, आपका आना जाना रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पे सही माने गए हैं, ए सी और डी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सी और डी, बिहार को छोड़कर। ये मत सोचिएगा बिहारी लिखा है मतलब बिहार के हैं ना, अधिकांश लोगों ने, हालांकि कई लोगों ने यही टिक मार दिया था। चलिए 69th क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से, सॉरी 69th नहीं बल्कि 89th क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज गोना बी 89th क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति का उप जनजाति नहीं है? ऑप्शन आप है बिजवर, नरोतिया, बड़ोया, काठमेना। तो इसमें बैगा जनजाति की उप जनजाति कौन सी नहीं है, ये है आपका बड़ोया, बाकी बिजवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, ये सारे के सारे, कठमैना है, ये सारे के सारे बैगा जनजाति की उप जनजाति हैं। और याद रहे मध्य प्रदेश से बैगा जनजाति का जो कंसंट्रेशन आपको जो मिलेगा, मोस्टली मध्य प्रदेश का जो सदर्न इलाका है या आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट का जो इलाका है, यहां पर आपको बैगा जनजाति का जो कंसंट्रेशन है मोस्टली मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 90th क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट विमुक्त जाति डिनोटिफाइड ट्राइब्स डे इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश, और किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 31 अगस्त को, 31 अगस्त को मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। 91st क्वेश्चन आपके सामने है, 51वां क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और ये लोक नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है, इसका नाम है राई। तो राम सहाय पांडे राई लोक नृत्य से संबंधित है और राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। अपार्ट फ्रॉम दैट राई हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का लोक नृत्य है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। 92nd क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया आप लोगों से श्रीमती दुर्गाबाई भ्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसका सही आंसर है आपका गोंड शैली। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम गोंड शैली संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुर्गाबाई व्याम की बात करें, एवेली आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे अवार्डिंग हैं जिनको पद्मश्री जैसे पुरस्कार सम्मानित किया गया, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाएगा कि कौन सी विधा संबंधित है, इनका क्षेत्र क्या है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी अक्सर पूछ लिया करती है ना। 93rd क्वेश्चन में हम जाएं तो यह है आपका, मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? देखिए आप भी इस बात हल्का कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर आपको बन जाते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए मंडला की बात करें, ये हमारे ईस्टर्न साइड में है, नो डाउट यहाँ पे हो सकता है, शहडोल भी ईस्टर्न साइड में, यहाँ भी हो सकता है,
बालाघाट की बात करें, बिल्कुल लगा हुआ है हमारा ईस्ट से, लेकिन रायसेन यहाँ थोड़ा सा इधर अलग से है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन कौन सा है, रायसेन है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप गेस वर्क करके भी सही कर सकते हो, मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर ना भी पता हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन दी आपके पास में, तो उससे आप ऐसे क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कब गिव अप जो है बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। 94th क्वेश्चन लेके चलते हैं। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। अब देखिए नारायण सीधन बेंद्रे की बात करें, ये प्रमुख चित्रकार है, बड़ा ऑब्वियस बात है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है विष्णु चिंचालकर, ये हैं चित्रकार। नाना साहब पैसे की बात करें, देखो ये हैं तो मध्य प्रदेश के, लेकिन नाना साहब पैसे का जो संबंध है चित्रकारी से नहीं बल्कि म्यूजिक से है, दैट्स व्हाई इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दें। अमृतलाल बिगड़ मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं, तो नाना साहब पैसे जो है ये बेसिकली इनका संबंध किससे है, इनका संबंध म्यूजिक से है। जिस चीज में माहिर है वो चीज है बेसिकली पखवाज, पखवाज सिंह, पखवाज ही आपको दिख रहा है, वो ढोलकी टाइप का होता है, तो इसके लिए नाना साहब पैसे मशहूर हैं। तो ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे, नाना साहब पैसे म्यूजिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 95th क्वेश्चन, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ओमकारेश्वर। कहां पड़ेगा ये, पड़ेगा आपके खंडवा जिले में, और ओमकारेश्वर डैम भी है। और क्या बता सकते हैं, मध्य प्रदेश में तैरता हुआ नहीं बल्कि आप कह सकते हैं ओमकारेश्वर डैम में इवेली फ्लोटिंग, हाँ तैरता हुआ सोलर प्लांट आप कह सकते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं उस फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना जो की जा रही है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एनी ऑफ यू कमेंट करके जरूर बताइए, मैं बोल नहीं रहा हूं। तो मांधाता की बात करें, किसका प्राचीन नाम है, यह है ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। 96 क्वेश्चन आपके सामने है, तुर्रा कलगी, करगी तुर्रा, तुर्रा कलगी लोक नाट किस क्षेत्र प्रसिद्ध है। बड़ा ऑब्वियस ही बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यह है आपका अपना निमाड़ अंचल। देखिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट था, बेसिकली हम लोगों को लग रहा था निमाड़ अंचल, लेकिन बाद में पीएससी ने सभी को मान लिया था, मालवा है, निमाड़ है, चूंकि हर जगह मिलता है, बुंदेलखंड को भी मान लिया था, बघेलखंड छोड़कर कर्री तुर्रा कलगी जो है लोक नाट्य हर जगह पाया जाता है। हालांकि कलगी तुर्रा लोक नृत्य हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तुर्रा कलगी जो है, तुर्रा और कलगी अलग अलग होते हैं। तो मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, ये तीनों ही ऑप्शन बीपीएससी के द्वारा सही मान लिए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 97th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। ये अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है और इवेली ये अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। क्या बता सकते हैं दसपुर अभिलेख कौन से जिले में है। 98th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। छींट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा शहर और छींट के लिए प्रसिद्ध है हमारा, यह है सिरोंज। सिरोंज तहसील है जो बड़ी फेमस है, आप बता सकते हैं सिरोंज तहसील कौन से जिले में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, 99th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में गोट मार मिला आयोजित किया जाता है। बहुत बार डिस्कस किया चुका है और यह है छिंदवाड़ा में, जाम नदी के तट पर गोट मार मिला आयोजित किया जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा 100th क्वेश्चन, सवा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हालांकि बाद में हल्का डिस्प्यूट भी हुआ था, खाजा एम भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, बिल्कुल सही ऑप्शन, ये तो चलो सत्य स्टेटमेंट है। स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष रहा गढ़मंडला राज्य के थे, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इसके बाद यहां पर रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। वेल देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में यही मिलता है, जुझार सिंह के बेटे का नाम बेसिकली देवनाथ सिंह था जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में संघर्ष किया। सन ऑफ जुझार सिंह, देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो ये उस हिसाब से बेसिकली सही है, लेकिन एमबीपीएससी ने इसको गलत माना है। तो बेसिकली यहाँ पर एक हल्का डिस्प्यूट क्रिएट होता है और इवेली डी ऑप्शन भी दिया है एमबीपीएससी ने कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हैं एमबीपीएससी द्वारा, तो यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट है, लेकिन चलो एमबीपीएससी ने सही दिया है तो क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इवेली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में तो डिस्प्यूट है, डी ऑप्शन तो चलो ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन में डिस्प्यूट है हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है 101st क्वेश्चन, इसमें दो चार क्वेश्चन ज्यादा ले लिए गए हैं इस बार। पूछा गया आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है हरिशंकर परसाई का, हंसते हैं रोते हैं रानी नागपनी कहानी, ये बिल्कुल सही है, ये सुमिलित है। भवानी प्रसाद की बात करें, गीत फरोज सप्रा घने जंगल हिम तरंगनी, देखो यहाँ पर याद रखना हिम तरंगनी जो है ये बेसिकली रचना है माखन लाल चतुर्वेदी की, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम जाना जाता है, बाकी गीत फरोज और सप्रा घने जंगल इन्हीं की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है, लेकिन हिम तरंगनी हिम की रटनी ये संरचना माखन लाल चतुर्वेदी की है, इसके चारण जो है ये ऑप्शन यहाँ पर पकड़ में आता है, इसलिए इस ऑप्शन को बात कह सकते हैं कि ये सुमेलित नहीं है। बाकी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, चांद का मुख टेढ़ा है, काट का सपना है, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिम तरंगनी जो ऑप्शन है ये माखन लाल की रचना है, बाकी गीत फरोज और सुपड़ा घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्रा की ही रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 100 सेकेंड क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट MICA गैस रिलीज हुई और इसके चलते बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई भोपाल में, और ये हुई 2 से 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर की रात में 1986 नहीं बल्कि 1984, भाई मैं इसे गलत टिक कर दिया, 1984 में हुआ है भोपाल गैस त्रासदी, है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इवनली इस पे एक मूवी भी रिलीज हुई थी, इसका नाम क्या है आप लोग चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी एंडरसन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ऑप्शन यहां पे आपके सामने दिया हुआ है और इसका सही आंसर है दैट इज विद्याधर, विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो ये है चंदेल राजा, चंदेल राजाओं में का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इवनली चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, तो जो मेन मेन मंदिर हैं उनको भी याद रखना पड़ता है आप लोगों को कि कौन से मंदिर का निर्माण कौन से चंदेल राजा के द्वारा कराया गया। एनीवे डिस्कशन को अभी वाइंड अप करेंगे, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, लेकिन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि जो यूनिट 8 है और यूनिट 9 है इसकी जो क्लासेस हैं इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दिया जाएगा, एवनली इसी यूनिट का जो पहला पार्ट है उसकी भी लिंक आपको नीचे शेयर कर दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें RamSuniMBPSC, तो यहाँ पर उसकी लिंक आपको मिल जाए, यहाँ पर जो PDF है वो आपको प्रॉपर तरीके से शेयर कर दिए गए हैं, यदि आपको सीधे नहीं मिलते स्क्रॉल करने पे तो आप फाइल्स के ऑप्शन में जाइए, वहां से आप देख लेंगे तो आपको वहां से PDF मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।